ये फिर दोबारा से फेंक दिया इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच में, कि अब इसको हिंदुत्व का मुद्दे को ये सामने लेकर के आएंगे। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये कि जो आज देश के अंदर जो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो आर्थिक मंदी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो। नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं अशोक कज्ञानी जी, जो कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट और समाज से ये हैं, बहुजन समाज के बहुत बड़े चिंतक हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले मोदी जी का स्टेटमेंट आया था कि गाय और ओम को सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वे कौन से लोग हैं जिनके लिए मोदी जी ने ये बात कही थी। देखिए, मोदी जी एक मजेव खिलाड़ी हैं, राजनीतिक मजेव खिलाड़ी हैं, और चूंकि अभी चार राज्यों के चुनाव बिल्कुल सामने दस्तक दे रहे हैं, हरियाणा से और दिल्ली सहित चार राज्यों का चुनाव होना, विधानसभा चुनाव होना है, तो उससे पहले ये अपने उसी एजेंडे को, हिंदुत्व के एजेंडे को ये फिर दोबारा से फेंक दिया इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अपने राजनीतिक खिलाड़ियों के बीच में, कि अब इसको हिंदुत्व का मुद्दे को ये सामने लेकर के आएंगे। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये कि जो आज देश के अंदर जो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो आर्थिक मंदी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे वो उसको जो पब्लिक भीड़ तंत्र जो लोगों को पकड़ पकड़ के पीट रही है, मार रही है, और जो सबसे चौथा जो अभी करंट इशू है, करंट अफेयर्स जो अभी चल रहा है इनका, जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स को एक साउथ की पिक्चर देख करके जिस तरीके से उसके जो रेट बढ़ा दिए, चालान के रेट बढ़ा दिए, और उसके ऊपर जो जनता का गुस्सा फूट रहा है, पुलिस और जनता की आमने सामने की जो लड़ाई चल रही है, और पुलिस की दबंगई देखने को मिल रही है कि वो किस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू है, तो जितने तमाम ये इशूज़ हैं जो नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ और चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तो ये उन सबको डाइवर्ट करके और चुनावी फायदे लेने के लिए फिर तमाम इन मुद्दों से पीछा छुड़ा के चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को फेंक करके, क्योंकि इस देश में धर्म की जो राजनीति है वो अपने चरम पे है, और धर्म के बिना आदमी को रोटी ना मिले, मगर वो धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है, तो उस कमजोरी को ध्यान में रख के इन्होंने उस मुद्दे को अभी डिलीवर किया है लोगों के बीच में। पॉलिटिकल मुद्दे हैं ये, गाय और ओम, और गाय और ओम पर इनके अपनी कोई एक ठेकेदारी तो है नहीं, अब उसी को, और दूसरे जो विचार के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में गाय के नाम पे, ओम के नाम पर उसको उस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं कि जो अपना वोट है, हिंदुत्व वोट है, वो इनकी तरफ को आए। और दूसरा ये तो कोई भी कह सकता है, अब जैसे मुस्लिम समुदाय, उनकी भी अजान होती है तो इनको तकलीफ होती है, अब मुस्लिम समाज की जो अजान होती है जब वो उसको भी 5 टाइम की नमाज होती है तो उसमें इनको तकलीफ़ होने लग गई, इन्होंने रोकने शुरू कर दिया रोड़ों के ऊपर, पहले पार्कों में रोड़ों पे वो लोग अपना फ्राइडे को अपनी नमाज अदा कर लिया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब से बीजेपी सरकार आई है राज्य में और केंद्र में और राज्यों में आ रही है जगह जगहों पर, तो वहाँ पर अब उनके उसको आस्था को रोका जा रहा है, उनकी अजान को रोका जा रहा है, उनके नवाज को रोका जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो मुद्दे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा चुनाव में मुद्दे फेंके थे कि दिवाली को ईद पर बिजली मिलती है, दिवाली पर नहीं मिलती, या कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, शमशान नहीं बनाए जाते, तो आज की डेट में वो मुद्दे सारे ख़त्म हो गए। वो हिंदुत्व वोट को कंसोलिडेट करने का मामला था, और इसको भी हम उसी रूप में देख रहे हैं, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं उसको उसी तरह देख रहा हूँ कि समाज के अंदर जहर घोल करके धर्म का, और एक बार फिर ये चारों राज्यों में हिंदुत्व के नाम पर अपना वोट हथियाना चाहते हैं, इसका और कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बाकी जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं तो हिंदुत्व को भी भूल जाते हैं, हिंदुओं को भी भूल जाते हैं, क्योंकि बेरोजगारी हिंदू नौजवानों में भी है, भुखमरी वहाँ पर भी चल रही है, तकलीफें वहाँ पर भी बहुत हैं। तो हम तो ये कहते हैं, मैंने तो पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि भाई अगर आपको हिंदुओं की इतनी चिंता है, हिंदू वोट आप लेते हो इतनी चिंता है, तो चलो सबको छोड़ो, हिंदू नौजवानों को ही रोज़गार दे दो, हिंदुओं की तकलीफें दूर कर दो, उनको बढ़िया घर बनवा दो, उन्हीं को एक एक बड़ा वर्ग, कम से कम एक बड़े वर्ग का तो कम से कम सुधार होगा, जो जितने भी हैं उसमें SC ST भी आते हैं हिंदुओं में, तो उन्हीं की तकलीफें पूरी कर दो, मगर आप करोगे नहीं, आपने समाज को बांट दिया। जब आपको जिस इशू की ज़रूरत होती है आप उसको फेंक देते हैं, डिलीवर कर देते हैं और अपना वोट ले करके, और फिर आप आनंद लेते हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मेरे को आज कहावत याद आ रही है, जिस तरीके से रोम जल रहा था, तो वो एक कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो वहाँ का शासक वो बांसुरी बजा रहा था, तो आज देश में
खतरनाक रूप से आर्थिक मंदी अपनी जड़ें जमाए जा रही है, बेरोजगारी चरम पे बढ़ती जा रही है। आए दिन ऐसे ऐसे जमे हुए जो व्यापार थे, कारखाने थे, जो उद्योग थे, वो पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहे हैं। और गुजरात में जो मर्कल टाइल्स की जो वो होती है, उसकी बहुत बड़ी उद्योग होता था, उसमें भी सैकड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। फाइनेंस में हो रहे हैं, मोटर्स ऑटो सेक्टर में हो रहे हैं, और रेलवे को प्राइवेट कर रहे हैं, रेलवे को रातों रात बेच रहे हैं, और चारों तरफ हाहाकार मचा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बेच रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, बैंकों का मर्जर कर रहे हैं, वो तमाम सारे इशूज़। और कश्मीर का मुद्दा तो अब गोदी मीडिया ने भी उठाना बंद कर दिया, उनको इंस्ट्रक्शन मिल गए कि अब उसके ऊपर बात भी ना अच्छे में करें ना बुरे में करें, क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ के हालात दिन पे दिन और ख़राब हो रहे हैं। और वहाँ पर जो कह रहे थे कि भाई महीने में 15 दिन में या दो उसको हम ख़त्म करेंगे, उसको जो ढील देंगे कर्फ्यू में, दूसरी चीज़ों में, वहाँ पर इंटरनेट को बहाल करेंगे, मोबाइल सर्विसेज बहाल करेंगे, वहाँ पर छूट देंगे लोगों को, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक महीना पूरा होने के बावजूद भी वहाँ पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो इसलिए ये तमाम इशूज़ को ये दबा करके, ये हिंदुत्व के मामले को ला करके, इसको हिंदू मुस्लिम को आगे करके और कमज़ोर पक्षों को ये आगे करके और अपना रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता में बनाए रहना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा, मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए। आप इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, आप गाय के और आप उसके ओम के प्रधानमंत्री नहीं है, गाय वालों के और ओम वालों के नहीं है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आप पूरे देश के हैं। तो आपको एक जिम्मेदारी के साथ आपको वो करना चाहिए, अपना स्टेटमेंट देना चाहिए प्रधानमंत्री की हैसियत से, ना कि एक RSS के कार्यकर्ता के रूप से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।